हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कृष्णा स्टूडियो चैनल पर। और आज हम आप लोगों को बताएंगे फोटोशॉप 7.0 वर्जन में कि आप लोग पासपोर्ट साइज की फोटो कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप 7 में। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप अपना ओपन कर लिए हैं, और उसके बाद देखिए फाइल मेनू में हम जाएंगे और यहाँ से ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी फोटो को पासपोर्ट साइज में बनाना हो वो आप फोटोशॉप में ओपन करेंगे। तो हमारे पास एक फोटो है, उसको हम फोटो बनाएंगे उसी को। हमारे पास देखिए फोटो है, ये वाली फ़ोटो को हम पासपोर्ट साइज बनाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको और ओपन पर क्लिक करेंगे तो फोटो हमारी फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ जो देखिए मैक्सिमाइज है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो पूरा फोटो ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमको फोटो को रोटेट करना है, तो ये देखिए इमेज मेनू है, इसमें रोटेट कैनवास है, ये 90 डिग्री जो थर्ड नंबर पर है CW, इस पर क्लिक करेंगे एंटी क्लाक वाइज पे, तो हमारी फोटो ये देखिए रोटेट हो जाएगी। अब इसके बाद हमको इसको पासपोर्ट साइज में क्रॉप करना है, तो देखिए ये फोटोशॉप का टूल बार है, इसमें ये क्रॉप टूल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे क्रॉप टूल को। और यहाँ पे देखिए विड्थ लेंगे हम 30 mm और हाइट हमने 40 mm लिया है जो, और रेजोल्यूशन 300 लिया हुआ है। तो आप लोग इस तरीके से इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें 30 mm फिल करेंगे और हाइट में 40 mm रखेंगे और रेजोल्यूशन 300। और ये देखिए जो पिक्सल बाई इंच है, इसमें दो ऑप्शन है, पिक्सल सेंटीमीटर पिक्सल इंच है, तो हमको सबसे ऊपर वाला रखना है। इसके बाद ओके कर लेंगे। अब हम जितना हमको फोटो का भाग क्रॉप करना है उतना सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से, और जितना हमको लेना है फोटो का साइज इतना पे हम छोड़ देंगे इसको, और थोड़ा सा इसको हम अपने अनुसार सेट कर लेंगे। मान लीजिए हमको इतना लेना है, इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारी देखिए फोटो यहाँ पे क्रॉप हो गई। अब थोड़ा सा फोटो हमारी टेढ़ी है तो इसको कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल टी, तो देखिए ट्रांसफार्म हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब इस यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से आ रहा है, बाहर ले जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, इसको इस तरीके से आप रोटेट कर लेंगे और शिफ्ट और प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से, ड्रैग करके फोटो को बड़ा कर लेंगे और यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आएंगे साइज के अनुसार, यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी फोटो क्रॉप हो गई है। अब इसके बाद हमको इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो देखिए ये मैजिक वैंड टूल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज बार है, यहाँ पे देखिए टॉलरेंस यहाँ पे 40 है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम टॉलरेंस यहाँ पे 10 कर देंगे तो यहाँ पे मैजिक वैंड टूल सेलेक्शन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा पार्ट को सेलेक्ट कर रहा है। आप शिफ्ट के साथ इस तरीके से करेंगे तो ये धीरे धीरे सिलेक्शन बनाएगा। अगर यही हम इसको टॉलरेंस को 40 के आसपास कर देंगे और यहाँ पे हम मैजिक वैंड से सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एक ही बार में हमारा ये फोटो सिलेक्शन हो गई। यहाँ थोड़ा थोड़ा सा सेलेक्ट नहीं हुआ है तो शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी हमारी इस तरीके से। तो यही है टॉलरेंस का मतलब कि घटा बढ़ा के आपको जितना रखना हो रख सकते हैं। अब इसके बाद हमको इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ इसमें फेदर देंगे, इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट F6। तो यहाँ पे देखिए फेदर का ऑप्शन हो गया, यहाँ से भी दे सकते हैं या तो यहाँ सेलेक्ट मेनू में जाएंगे, देखिए मॉडिफाई में यहाँ पे ये फेदर, तो यहाँ से भी आप फेदर दे सकते हैं। तो हमने फेदर इसमें लगा दिया है, अब डिलीट बटन से इसकी बैकग्राउंड को डिलीट करेंगे तो डिलीट करेंगे, देखिए हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे डिलीट हो गया, इसको हम बंद कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड डिलीट हो गया है, और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसके नीचे हम एक लेयर बनाएंगे, तो ये देखिए कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और ये जो लेयर है, लेयर न्यू लेयर बनाने का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लेयर बन जाएगी हमारी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों ब्लैक है, तो फोरग्राउंड कलर को हमको व्हाइट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट कलर से ओके करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। इसके बाद अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसमें कलर हमारा व्हाइट फिल हो जाएगा। अब थोड़ा फोटो को हम बड़ा कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये जो दाग धब्बे है इसको हटाना है, तो देखिए हीलिंग ब्रश है, इस पर आपको क्लिक करना है और अल्ट प्रेस करके आपको जहाँ से सैंपल लेना है सैंपल ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ से सैंपल लेंगे, अल्ट प्रेस करके रखेंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ सैंपल ले लेगा। अब इसके बाद जो भी पार्ट्स आपको अगर हटाना है इस तरीके से ड्रैग कर, सॉरी इस पर हम इस वाली लेयर पर आएंगे और यहाँ से सैंपल लेंगे इसका। अब आपको जो भी रिमूव करना है इस तरीके से बस ड्रैग करते जाइए, ये रिमूव कर देगा आसानी से। तो इस तरीके से आप लोग जो भी दाग धब्बे हटाना हो तो
यहाँ भी है, तो यहाँ से सैंपल लेंगे और प्रेस कर देंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, यहाँ सैंपल लेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारा सर हो गया है सैंपल सब, ये हमने दाग धब्बा हटा लिया। अब इसके बाद हम सारे लेयर को मर्ज कर देंगे, तो अल्ट के साथ प्रेस करेंगे एल और एफ, लाइटर इमेज का शॉर्टकट होता है अल्ट एल एफ, यहाँ से ओके कर देंगे। या तो आप इस तरीके से करते हैं, कर सकते हैं, इमेज ये जो लेयर है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्लैटेड इमेज है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, सारी लेयर हमारी मर्ज हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें कलर हमको सही कर लेना है, तो कंट्रोल एम से कर्व टूल आता है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे हम और इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो थोड़ा सा फोटो में देखिए लाइट आ गई। अब ये रेड कलर है, रेड को थोड़ा सा आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा लेंगे, या घटाना हो तो नीचे लगे रेड कलर जो माइनस होगा, तो हमने थोड़ा सा रेड को हटा लिया है और ओके कर लेंगे। हमने देखिए कलर सही कर लिया, और कलर बैलेंस भी कर सकते हैं यहाँ से, कंट्रोल बी से शॉर्टकट की होता है इसका, तो कलर बैलेंस तो हमको देखिए यहाँ पे सियान है, सियान माइनस करेंगे तो इस तरीके से कलर आएगा, और रेड बढ़ाएंगे तो रेड बढ़ेगा, तो हमको थोड़ा सा सियान इसमें माइनस कर लेंगे। और ये देखिए मैजेंटा कुछ नहीं करना है, और येलो है ब्लू है, तो येलो की तरफ आएंगे तो येलो इसमें आएगा, ब्लू की तरफ जाएंगे ब्लू आएगा इसमें, तो थोड़ा सा ब्लू इसमें बढ़ा लेंगे, इतना कर लेंगे प्लस 12, और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो देखिए हमारा कलर करेक्शन हो गया है। अब इसके बाद हमको इसको आप चाहें तो इसका एक्शन भी बना सकते हैं, तो हम एक्शन बाद में बताएंगे बनाना, पहले पासपोर्ट साइज प्रिंट करना बताएं। तो इसके बाद हमको कंट्रोल ए से इसका पूरे फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, हमारी फोटो कॉपी हो गई। अब इसके बाद देखिए ये फाइल मेनू है, इस पर क्लिक करेंगे न्यू पेज का, यहाँ से बनाने का ऑप्शन होता है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे हम, और इसके बाद देखिए यहाँ पर कस्टम है, तो हमको A4 पे प्रिंट करना है, तो A4 या 4x6 पे भी कर सकते हैं, तो पहले हम A4 पे बताते हैं हम लोगों को, A4 साइज है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो देखिए A4 साइज हमारा यहाँ पे आ गया। आप इसके बाद कंट्रोल भी से इस पर फोटो देखिए पेस्ट कर लेंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या तो इस तरीके से भी देखिए ये मूव टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे और फोटो को इस तरीके से खींच कर इस पर लाएंगे, इस पर लाएंगे तो ये फोटो हमारी इस पर आ जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से भी आप ला सकते हैं इस पर, और यहाँ से बड़ा कर लेंगे इसको। अब इसमें हमको स्ट्रोक लगाना है, तो देखिए एडिट मेनू है यहाँ पे, इसमें स्ट्रोक का ऑप्शन होता है, ये स्ट्रोक इस पर क्लिक करेंगे, 2 पिक्सल का स्ट्रोक देंगे हम, और ये कलर है तो कलर को हमको ब्लैक करेंगे, यहाँ से ब्लैक कर लेंगे और ओके कर देंगे, फिर से यहाँ पे ओके कर देंगे, देखिए इस पर स्ट्रोक लग गया। अब फोटो को हम जहाँ आपको रखना हो मूव टूल से ड्रैग करके ले जाएंगे। अब इसके बाद आपको कई यहाँ पे सारे फोटो इसकी बनानी है, तो शिफ्ट प्रेस करके रखना है और अल्ट दोनों को प्रेस करके रखेंगे, और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर इस तरीके से ड्रैग करेंगे, और अल्ट शिफ्ट को छोड़ना नहीं है आपको, इस तरीके से ड्रैग करते जाना है, तो इसकी कई सारी कॉपी आपकी बन जाएगी इस तरीके से। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फोटो बन गई। अब ये सारे लेयर को कंट्रोल ई प्रेस करते जाएंगे, ये सारी लेयर मर्ज हो जाएगी, तो हमने देखिए यहाँ तक लेयर को मर्ज कर लिया। अब इसके बाद इसकी और आपको कई सारे डुप्लीकेट बनाना है, तो फिर सिर्फ वही काम करना है, शिफ्ट अल्ट प्रेस करके रखना है और माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके इस तरीके से ड्रैग करना है, तो आपको जितनी फोटो बनानी है इस तरीके से ड्रैग करके बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोटोशॉप में आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, और ये सारी लेयर को हमको फिर से वही कंट्रोल ई प्रेस करते जाएंगे, सारी लेयर मर्ज हो गई। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, तो कंट्रोल पी शॉर्टकट की होता है, या तो आप यहाँ से भी देखिए फाइल मेनू है, यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है आपको कौन सा प्रिंटर प्रिंट करना है फोटो को, तो हमारे पास 2 प्रिंटर है, कैनन का है और एक इप्सन का है, तो जो भी प्रिंट सेलेक्ट करना है इस पर कर लेंगे, तो यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारी फोटो प्रिंट हो जाएगी। आप इसको सेट करना चाहें तो यहाँ से प्रॉपर्टीज बार में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे फोटो पेपर ग्लॉसी है, तो फोटो पेपर पर ही रखना है हमको, और प्रिंट क्वालिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड है और हाई है, तो हाई रखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से देखिए पेपर साइज है A4, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा फोटो हमारी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल पी, कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए
हमारी फोटो यहाँ पे कट रही है, तो साइज हमको यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्केल साइज है जो छोटा कर लेंगे, तो 94 के आसपास कर लेंगे, 93 कर लेंगे। तो देखिए इसमें पूरी फोटो हमारी आ गई। तो इसके बाद यहाँ से प्रिंट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। फिर यहाँ से आपको वही काम करना है, प्रिंटर सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो आपकी फोटो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से फोटोशॉप में आप लोग फोटो प्रिंट कर सकते हैं। तो आप लोग, हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।